अलग अंदाज है, जैसे छिड़ता कोई साज है, हर काम को टाला करते हैं, ये सपने पाला करते हैं। देखो भैया जी, भाई पहुंच गए बस स्टैंड, पीछे बस स्टैंड है और मुझे लगे बहुत तेज भूख। आज मैं वहाँ खाना खाने वाला हूँ जहाँ आप लोग अगर ऋषि के साथ खा सकते हो बहुत आसानी से, 60 रुपीज़ में भरपेट खाना। आप जितने चाहे चावल ले सकते हैं, जितने चाहे दाल ले सकते हैं, जितनी चाहे रोटी ले सकते हैं, जितनी चाहे सब्जी ले सकते हैं। तो बस स्टैंड से उसकी दूरी कितनी है मैं आपको दिखा देता हूँ। कैमरा होता है ना, तो भैया मैं लेट हूँ बहुत ज़्यादा, पर फिर भी इन्होंने भैया लोगों ने दाल गरम कर दी मेरे लिए। मतलब साफ सुफ हो चुका है यहाँ पे, खाना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, पर मुझे खिला देंगे ये। जब देन की थाली होती है उसमें थोड़ी प्याज, चटनी चटनी उत्सम होती है बहुत बढ़िया, और आज तो साग बनाया हुआ है और दाल तो है ही परमानेंट ही। बाकी हमारे भैया जी है ये हमें खिलाते रहते हैं हफ्ते में 2-3 बार। 60 रुपये के है ना प्लेट, 60 रुपये का खाना है, जिसमें जितनी मर्जी उतनी रोटी लो, जितनी मर्जी उतनी सब्जी लो, जितनी मर्जी उतने चावल लो, और बड़े प्यार से खिलाते हैं। तो रात का तैयारी शुरू हो चुकी है और भाई बस स्टैंड से थोड़ी दूर पे है पवार होटल के नाम से, अगर आप चाहे तो आ सकते हैं। और मेरा दाल गर्म हो चुकी है, बटर वटर डाल के एकदम ज़बरदस्त। तो भैया शाम के 4 बज चुके हैं, वो शुक्र है कि मुझे मिल गया इस टाइम खाना। शाम की तैयारी चल रही है इनकी, मैं आने में लेट हो गया। घर जैसा खाना बिल्कुल एकदम उस समय। तो भैया खाना खा के बहुत मज़ा आ गया। जब भी मुझे कभी बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा खाना खाना होता है घर जैसा, तो मैं आ जाता हूँ ये बाहर से बस स्टैंड की तरफ से कुछ ऐसा दिखता है, तो लिखा है पवार होटल, बिल्कुल बेसिक सा है, सीधा सिंपल और सबसे सस्ता। अगर आप किसी के साथ हो तो आप खा सकते हो। और ये भैया ओनर है यहाँ के, ऐसे कुछ पूछते हैं और ये रोटी बनाते हो। भैया एक चीज़ पूछना था, खाते रहो आप, दिन भर में कितने लोग खा लेते हो, मतलब कितनी प्लेटें चली जाती है, कितनी थाली चली जाती है? 100-150 हो जाती है। देख लो कितना, मतलब इतने प्यार से खिलाते हैं ना भाई लोग। मैं कम से कम 2 साल से जानता हूँ, आप 2 साल से पहले से जानते हो, 2 साल के आसपास हो गया। तो भैया लोग मतलब बहुत प्यार से खिलाते हैं सबको, ऐसा नहीं है कि आप दो एक बार लेके बस दोबारा नहीं लेंगे, आप लोग कितना भी खाओ कितने प्यार से खाओ मज़े से। और चाचा हमारे बनाते हैं रोटी, दबा के सुबह से लग जाते हैं शाम तक। ठीक है भाई, तो इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। बस मेरा मोटिव यही था कि मैं यहाँ पे आके दिखाऊँ आपको। अगर आप किसी के आ रहे हो बस स्टैंड से केवल 100 मीटर की दूरी पे, आप पीछे की तरफ आओगे तो पवार होटल के नाम से है। आप आओ, खाओ, इन्जॉय करो, मज़े लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।